लक्ष्मीपुर गांव में उस लड़के ने सिर्फ इतना कहा था कि हम क्यों माफ करें इन्हें, हम क्यों माफ करें, भाई लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, उसके लिए आप उसको दौड़ा कर मार रहे हैं और अपने आप को मुसलमान का रहनुमा बताते हो। आज यहाँ पर देखिए लालू जी आ रहे हैं, ये क्या दिखाता है, तीन दिन से तेजस्वी यादव यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी ताकत से तो कुछ हुआ नहीं। पहले आरजेडी ने तो स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी यादव के कहने से तो कोई मुसलमान यादव वोट देने को तैयार नहीं है, और दूसरा इसने लालू जी के चरित्र को बिल्कुल उजागर किया है कि जिन मुसलमानों के रहनुमा होने का आप दावा करते रहे 35 साल, बेलागंज में मुसलमान एक सामान्य परिवार का लड़का चुनाव लड़ रहा है, उसको हराने के लिए आरजेडी के नेता लालू जी उनके लड़के पूरी ताकत झोंके हुए हैं कि किसी भी तरीके से एक सामान्य परिवार का मुसलमान परिवार का लड़का नहीं जीतना चाहिए, और किसकी मदद कर रहे हैं, एक बाहुबली के लड़के की मदद कर रहे हैं। तो आप MY समीकरण की बात करते हैं, आप जिन मुसलमानों के वोट से इतने दिनों तक राज करते रहे हैं, उसी समाज का एक लड़का 7 महीने के लिए अगर उसको चुनाव जीतने का अवसर है तो उसको हराने के लिए, ये साधारण बात नहीं है। लालू जी लोकसभा के चुनाव में अपने बेटी के प्रचार में गए थे, उसके बाद वो बाहर नहीं निकले हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि कोई अमजद चुनाव न जीत जाए, कोई मुसलमान कहीं उसको वोट न दे दे, भले एक बाहुबली का लड़का जीत जाए, और ये इनकी सच्चाई है, इनके चरित्र को उजागर करता है। तो परिणाम जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन बिहार की जनता और विशेष करके जो यहाँ के मुसलमान साथी हैं, उन्होंने इनका चरित्र देख लिया है कि MY की ये बात करते हैं, इनको ना किसी M से मतलब है, ना Y से मतलब है, इनको खुद से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, और अपने साथ जुड़े हुए जो बाहुबली हैं, ठेकेदार हैं, उनसे मतलब है। इनको यादव समाज के सामान्य लोगों से भी कोई लेना देना नहीं है। भाई यहाँ पर दूसरे जो प्रत्याशी NDA से लड़ रही हैं, वो भी तो यादव समाज की हैं, लेकिन लालू जी को है भैया कुछ भी हो जाए मेरा परिवार ही जीतेगा, या मेरे से जो जुड़ा हुआ ठेकेदार है, बाहुबली है, वो जीतेगा। अमजद भाई कोई बहुत बड़े परिवार के लड़के नहीं है, एक सामान्य परिवार के लड़के हैं। RJD को यहाँ के मुसलमानों ने 35 बरस से वोट दिया है, और एक बार उस समाज का कोई खड़ा है तो लालू जी को स्वीकार नहीं है, और यही इस बात को दिखाता है, इनके चरित्र को उजागर करता है। तो जब विनाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है, उनका विवेक खत्म हो गया है, और वो अपने आप ये दिखा रहे हैं कि उनका चरित्र क्या है और वो मुसलमानों के कितने बड़े रहनुमा हैं। एक बैठक में मुस्लिम बच्चे को RJD के गुंडा लोगों ने, गुंडा एलिमेंट्स ने दौड़ा कर मारा है, वीडियो आप लोग के सामने है, जरा देख लीजिए आप लोग जाकर क्या उस लड़के ने कहा था। उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी, लक्ष्मीपुर गांव में उस लड़के ने सिर्फ इतना कहा था कि हम क्यों माफ करें इन्हें, हम क्यों माफ करें, भाई लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, उसके लिए आप उसको दौड़ा कर मार रहे हैं और अपने आप को मुसलमान का रहनुमा बताते हैं।